दोस्तों आपके लिए चंडीगढ़ में हम ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं यूपीएससी अखाड़ा का, और यहीं से वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी काम चल रहा है लेकिन पढ़ाई रेगुलर चलती रहनी चाहिए अपनी। देखो अब बात का इस पर करेंगे, चाहे इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो, इसराइल हमास का हो, चाहे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो, यूनाइटेड नेशन का कहीं ना कहीं रोल अंडरमाइन हो रहा है। ऑल्दो इट्स अ सिग्निफिकेंट बॉडी एस्टेब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, उसके साथ साथ इट हेल्प्स इन डिजास्टर रिलीफ, प्रमोटिंग नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन, काउंटरिंग टेररिज्म। लेकिन अब आप देखो उसके जो उसके साथ साथ ना एंडिंग लॉ स्टोरी बना सकती है, लेकिन जो उसके डिसीजन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लोबल वैल्यूज ग्लोबल गोल्स दिखाते हैं कि ये लोग कंट्री ये चाहती है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है, वर्ल्ड जो मल्टी पोलर हो रहा है, अब यूनिपोलर नहीं बचा है, लेकिन मल्टीपोलर के साथ साथ डिफरेंट पावर सेंटर तो इमर्ज हो रहे हैं, पर मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या, जो इंस्टीट्यूशन है उनमें उनकी वैल्यू इतनी हो रही है। अभी भी वो इंस्टीट्यूशन जो है जितने मेजर वर्ल्ड के हैं वो यूनिलेटरलिज्म या बायलेटरलिज्म या कुछ पावर सेंटर मेजर कंट्रीज वही गवर्न कर रहे हैं उसको। तो मल्टीपोलर तो हम बन रहे हैं लेकिन मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जा रहे, तो ये एक बड़ा इशू आ रहा है। दूसरा जो मेजर इशूज है जिस पर वर्ल्ड जो मेजर कंट्रीज है वो एक ग्लोबल कंसेंसस नहीं बना पा रही है, ये बड़े दो रीजन है। अब करना क्या चाहिए, एक कंसेंसस बनना चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म की तरफ हमें जाना चाहिए ना, यूएन पीस कीपिंग का फोर्स करो यूज कर सकते हैं, इवन हम पॉलिटिकल मिशन सेंड कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, इकोनॉमिक सेंशन का यूज कर सकते हैं, ये डिफरेंट मेथड्स हैं वे फॉरवर्ड में।